जी 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 तो क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह के जो बेसिस होते हैं, हाँ मतलब उस पर भी जो एवेन्यू जो होता है पब्लिक वो जी जी इंसान लगाता है कि वो बिया स्टैंड के लिए होता है, आपको आपको भी ऐसा सिचुएशन फेस करना पड़ा होगा जब कंट्रोवर्सी हुई होगी जी 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 और बिया स्टैंड के लिए लोग लेकर कि आपने ये काम बिया स्टैंड के लिए किया। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम आती है कि जैसे खैर शी इज़ वेरी स्वीट एंड बहुत यंग है ज़ारा वसीम जी, सो कई बार होता है कि थोड़ा टाइम लगता है ऑडियंस का ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। डेफिनेटली वो जो उनके साथ हादसा हुआ वो बहुत गलत है एंड आई एम श्योर कि जो मैं चाहता हूँ कि आगे आगे से लोग जो भी ये मेरी इंटरव्यू सुन रहे हैं थोड़ा सा लेडीज़ को आप कंफर्टेबल रखें। और वैसे तो पहले से बहुत फ़र्क पड़ गया है एयरलाइंस में भी या हर जगह पर, पर फिर भी कभी ना कभी कोई ना कोई आदमी अनएजुकेटेड होता जिसको नहीं तमीज़ रहती। सो मेरे साथ तो यही होता है जैसे मैं चश्मा पहनना मैंने शुरू कर दिया, कई बार मैं सुबह सुबह उठता हूँ सुबह सुबह फ्लाइट लेता हूँ तो 7 o'clock जैसे ही मैं लैंड करता हूँ तो मेरा शक्ल थोड़ा पूरा ख़राब हुआ होता है, नेचुरली बात है आप थके होंगे। तो फैंस आते हैं बेचारे, वो उनको लेना देना नहीं कि आप अच्छे दिख रहे हो गलत दिख रहे हो, उनको आपकी आवाज़ पसंद है तो बोलते पाजी 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 फ़ोटो करनी है। तो फिर मैंने 5-7 साल मुझे हो गए, मैं कह यार बजाय उनको मना करने के लिए वो सुधरेंगे तो है नहीं, बट आफ्टर हम भी अपने फैंस की बदौलत हैं। तो फिर भी मैंने चश्मा लगाना शुरू कर दिया, तुम फोटो खींचते रहो भले मैं अच्छा दिखूँ या बुरा दिखूँ, बट डेफिनेटली हमें थोड़ा सा आने वाले टाइम में और ध्यान रखना चाहिए, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए लेडीज़ को और उनको उनकी जगह देनी चाहिए, उनको घूरना नहीं चाहिए और उनको अनकम्फर्टेबल नहीं होना चाहिए। सो ये मेरी सबसे गुजारिश है। हाई प्रोफाइल शादी हुई अनुष्का विराट की, क्या कहना चाहेंगे? जी मेरी तो कमाल ही हो गया यार। मैं हमेशा क्रिकेटर्स का बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन नहीं रहा हूँ, लेकिन रिसेंटली मैंने नोट करा कि आई गेस ये अगर अभी जो मुझे लगता है जो पक्के मर्द जो चल रहे हैं वो मुझे लग रहा है क्रिकेटर्स ही हैं जो ज़ुबान से फिसल नहीं रहे। जैसे पज्जी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है हरभजन पज्जी, एंड पज्जी साहब ने भी मेरे ख्याल 5 साल डेट करा और बाद में उन्होंने शादी कर ली। तो कई बार ऐसा लगता है जब कोई डेट कर रहा हो तो पता नहीं शादी होगी ना होगी। देन युवराज पाजी, उन्होंने सिक्सर मारा भी, उन्होंने भी कमाल कर दिया, उन्होंने भी जिनको वो डेट कर दिया उन्होंने शादी करी। एंड देन अनुष्का एंड विराट कोहली को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप दोनों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, विशिंग यू बोथ अ हैप्पी मैरिड लाइफ। आप दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं एंड आई एम श्योर कि पूरे हिंदुस्तान को आज बहुत खुशी होगी कि इतने खूबसूरत चेहरे ने शादी करी है। सो बेस्ट विशेस भाई, लव यू। आपके पास ना एक म्यूजिक मतलब एक गाने के अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है? अपकमिंग प्रोजेक्ट तो रिसेंटली मेरी तमन्ना पूरी हुई थी बिकॉज 18 साल से मैं आमिर खान साहब का फ़ैन तो हूँ, थोड़ा बहुत उनके साथ मेरी दोस्ती भी है, जान पहचान भी है, क्योंकि 99 में मेरा जो पहला वर्ल्ड टूर हुआ था वो आमिर खान साहब के साथ ही हुआ था एंड तब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और तब से लेके मैं उनका वेट कर रहा था। एक्सक्यूज़ मी आप 2 मिनट बाहर चल रहे बोलो, सॉरी। सो 99 में मेरा पहला वर्ल्ड टूर उनके साथ ही हुआ था और पहली बार मैंने यूएसए उनके साथ घूमा एज ए सिंगर। उनसे पहले मैं दिलीप भाजी के साथ एज ए गिटारिस्ट मैं परफॉर्म कर चुका था, लेकिन एज ए सिंगर मेरा गाना सावन में लग गया रिलीज़ हुआ था। तो पहली बार मैं आमिर भाई के साथ वर्ल्ड टूर पे गया था जिसमें यूके में शोज़ हुए थे हमारे लंदन में एंड यूएसए में 16 शोज़ हुए थे तभी, और तब से लेके अच्छी जान पहचान है, जब भी हम मिलते हैं बहुत अच्छी दुआ सलाम उनके साथ होती रहती। बट कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैं उनको अप्रोच करूँ कि पाजी आमिर भाई मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मुझे आपके साथ गाना करना है। मन में मैं कहता रहा लेकिन ज़ुबान पर कभी आया नहीं। मेरे मन में यही था कि कोई नहीं एक ना एक दिन तो ज़रूर ऐसा आएगा कि आमिर भाई खुद मुझे बोलेंगे यार मेरे साथ गाना गाओ। तो मैंने 18 साल उनका वेट करा एंड फाइनली ये जो सीक्रेट सुपरस्टार है इस पर मुझे सेक्सी बिल ये गाना मिला जिसमें उनका जो स्टाइल है वो भी पूरा चश्मा वश्मा पहन के उन्होंने वो टोन भी यूज़ करी है। सो थैंक्स टू आमिर भाई। देन हवा हवा मेरा सुपर हिट रहा है। अभी एक फिल्म आ रही है उसका मुझे नाम लेना बड़ा मुश्किल हो रहा है, शायद आप हेल्प करेंगे। टी टू की पता नहीं क्या, टी टू के स्वीटी की सोनू नहीं सोनू के सोनू के टीटू की स्वीटी। तो लव रंजन जो मेरे दोस्त हैं उनकी पहली फिल्म जो थी प्यार का पंचनामा उसमें मेरे 2 गाने थे, देन सेकंड में उन्होंने पुराना वाला गाना यूज़ किया, थर्ड में वो फिर ये फिल्म बना रहे हैं एंड सेम कास्ट लेके एंड आई एम श्योर कि ये फिल्म सुपरहिट होने वाली है। इसका टाइटल सॉन्ग मैंने गाया हाँ, म्यूजिक डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं एंड आई एम श्योर के जितने भी आजकल तो न्यू कमर्स आ रहे हैं बहुत ही टैलेंटेड आ रहे हैं। सो इसलिए मैंने जो मेरी कंपनी है ये गाना अली अली जो है, इससे पहले मैंने दिलीप भाजी के साथ गाना रिलीज़ करा था, तो म्यूज़िक कंपनी का नाम है म्यूज़िक एंड साउंड।
जिसमें हम न्यू कमर्स को भी बहुत चांस दे रहे हैं। मेरा रिसेंटली शो मैंने शुरू करा है जिसका नाम है ओल्ड इज़ गोल्ड, जहाँ पे बहुत सारे मैं न्यू टैलेंट को आगे लेके आ रहा हूँ एंड बहुत सारे नए बच्चे हैं। जैसे रिसेंटली मैंने तनु श्रीवास्तव, अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे, उन्होंने भैयाना ध्रुव लता जी का गाना बहुत अच्छे स्टाइल में गाया। सो जैसे आप कोक स्टूडियो देखते हैं या जो जैसे आप बड़े बड़े शोज देखते हैं, मिक्स टेप देखते हैं, उसी तरीके का ये शो हमारा है ओल्ड इज़ गोल्ड, जहाँ पे हम सिर्फ पुराने गाने गाएंगे। मैं भी गाऊंगा, दिलीप पाजी भी गाएंगे, हंस पाजी भी गाएंगे, लेकिन पुराना लता जी का या किशोर जी का हम गाना लेके उसको रिक्रिएट कर रहे हैं। सो वो शो का ऑलरेडी रिस्पांस बहुत अच्छा जा रहा है ओल्ड इज़ गोल्ड का। सो म्यूजिक एंड साउंड न्यू टैलेंट्स को प्रमोट करने के लिए भी है। डॉन जी, थैंक यू सो मच सभी का, थैंक यू।